आज हम जानेंगे जियो पॉस प्लस जो लाइट क्या है, कैसे डाउनलोड करना है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पे जियो पॉस लाइट को सर्च कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको ओपन का ऑप्शन मिलेगा, आपको ओपन करना है। ओपन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ आपके सामने इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। इससे आप रिचार्ज कर सकते हैं, 4% का इंस्टेंट कमीशन मिलेगा। मैं आपको करके बता रहा हूँ, कैसे सभी स्टेप को मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आपको अलाउ कर देना है। यहाँ पे आपको अलाउ का ऑप्शन मिलेगा, आपको 3 बार अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको साइनअप का ऑप्शन मिलेगा। साइनअप का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले फिर आप लोग देख सकते हैं आपका मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक सबसे ईमेल आईडी यहाँ पे सबसे पहले मांगा जा रहा है। तो आपको एक ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप कर देना है, जो भी आपका ईमेल आईडी हो या फिर आपका मोबाइल में। फिर आपको जनरेट ओटीपी मिल रहा है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको मिल रहा है ओटीपी, यहाँ पे टाइप करना है। जो आप ओटीपी जो नंबर लिखे हो उसी पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर आपको वैलिडेट ओटीपी कर देना है यहाँ पे। अब आपको अलाउ कर देना है, फिर से आपसे अलाउ मांगा जाएगा। अलाउ करने के बाद आपका नेम पूछा जाएगा, आपका ईमेल एड्रेस शो हो जाएगा। फिर आपको कि लाइव लोकेशन सेलेक्ट करना है, और दोनों चेकबॉक्स जो मिल रहा है आपको दोनों में टिक कर देना है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, अपना एक लाइव लोकेशन यहाँ पे जो देख सकते हैं, चूज लोकेशन जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है। फिर आपका शॉपकीपर कहाँ, या फिर जो भी आपको एक यहाँ पे लोकेशन टाइप कर सेलेक्ट कर लेना है। लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक डन का ऑप्शन मिलेगा, डन का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लाइव लोकेशन वाला जो है इसको ले लेता हूँ, उसका फिर आपको डन कर देना है। आप इससे जो है 4% का कमीशन इंस्टेंट आपको मिलता है जो रिचार्ज करोगे। तो सिर्फ आपको इससे जो है जियो का रिचार्ज होगा, तो यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया जो मिल रहा है। पेटीएम वगैरह सभी आप रिचार्ज करते हो तो, लेकिन आपको हर रिचार्ज में कैशबैक नहीं मिलता है, इसमें हर रिचार्ज में आपको 4% का कमीशन मिलता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो देख सकते हैं, लाइव लोकेशन मेरा फेच नहीं हो रहा है। मैं फिर से यहाँ पे लाइव लोकेशन को यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा लोकेशन हो गया है। कंटिन्यू का ऑप्शन आपको मिलेगा, कंटिन्यू का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। फिर लोकेशन टाइप करने के बाद फिर यहाँ पे आपका जो है साइन अप हो चुका है। अब आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो आप मोबाइल नंबर लिखे हो आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद फिर आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे फिलअप कर देना है आपको। जो ओटीपी फिर से आया है, ओटीपी फिलअप करने के बाद वैलिडेट ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा। वैलिडेट ओटीपी ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको 4 डिजिट का एम पिन सेट करना है। तो यहाँ पे मैं इंटर एम पिन के ऑप्शन पे क्लिक करके मैं दोनों में सेम एम पिन लिखा हूँ, उसका फिर सेटअप कर लेना है। यहाँ पे आपका जियो पॉस लाइट एप्लीकेशन बन चुका है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं माई अर्निंग में भी 0 है, क्योंकि मैंने अभी कोई भी अर्निंग नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे जो माई अकाउंट में जो आपको दिख रहा है बैलेंस वाला 0 0, मैं उस पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे लोड मनी कर लेता हूँ। लोड मनी के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को कितना रुपये एड मनी करना है, मतलब कि तो यहाँ पे देख सकते हो मैं जितना रुपये यहाँ पे टाइप करूँगा उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ पैसे जुट जाते हैं, जैसा कि देख सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पे 10 रुपये टाइप किया हूँ, तो देख सकते हैं 10 रुपये कुछ पैसा हो चुका है, 104 रुपया हो गया है। फिर 1000 रुपये यहाँ पे टाइप करने के बाद 1000 रुपये 41 रुपया हो गया है, मतलब कि 1000 में 41 रुपये का मुझे कमीशन मिल रहा है। तो 1000 रुपये टैप करने के बाद फिर आपको ऐड करना है। आप डेबिट कार्ड से करो, पेटीएम से करो, फ़ोनपे से करो, जैसे भी आपको ऐड मनी करना है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मैं भी यहाँ पे पेटीएम से ही आप कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ फ़ोनपे। फ़ोनपे में सेलेक्ट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप फ़ोनपे से जो फ़ोनपे में वॉलेट मनी रहता है, जिसको कि आप बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं अगर आपका KYC नहीं है, तो इसमें आप उस मनी को ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फ़ोनपे सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको एक मोबाइल नंबर टाइप करना है जो आपका फ़ोनपे में है। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद OTP आएगा, OTP को यहाँ पे फिलअप कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं मेरा वॉलेट में 0 रुपये है फ़ोनपे में, फिर भी मैं पे टू फ़ोनपे ही चूज करूँगा। फ़ोनपे में जो मेरा बैंक अकाउंट लिंक है, उस बैंक के लिंक अकाउंट से मदद से हम यहाँ पे ऐड मनी कर लेते हैं। तो मैं अपना कार्ड डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करके कंटिन्यू कर लेता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद कुछ आप लोग इस तरह से पहुँच जाओगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो मोबाइल नंबर टाइप की बैंक में दिया गया उसी पे एक OTP आएगा। OTP फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड मनी सक्सेसफुली हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे OTP सबमिट कर लेता हूँ। OTP सबमिट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ऐड मनी सक्सेसफुली हो चुका है। अब इस ऐड मनी को आप रिचार्ज कर सकते हो। मैं आपको एक रिचार्ज करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सक्सेस हो चुका है ऐड मनी मेरा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो मेरा ऐड मनी है यहाँ पे सक्सेसफुली, और यहाँ पे 1041 रुपया भी यहाँ पे मुझे दिखाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा कन्फर्मेशन मैसेज भी आ चुका है। अब देख सकते हैं 1041 रुपया मेरा वॉलेट में आ चुका है। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि रिचार्ज आपको कैसे करना है, जिसमें से आपको कैशबैक तो मिल गया है, ऑलरेडी मिल चुका है 1000 में। अब इस 1000 को कैसे आपको रिचार्ज में बदलना है, फिर आपको मतलब पैसा कैसे मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है,
जियो पॉस फिर से आपको ओपन करना है, फिर आपको यहाँ पे रिचार्ज का ऑप्शन एक आपको मिलता है, रिचार्ज का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। रिचार्ज का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ आपके सामने इस तरह का इंटरफेस हो जाता है। अब यहाँ पे आपको एक जियो का रिचार्ज नंबर है, यहाँ पे जियो का नंबर टाइप करना है। मैं यहाँ पे एक जियो का नंबर टाइप कर लेता हूँ जिसपे कि जियो का रिचार्ज करना है। मैं एक जियो फ़ोन का नंबर का टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद फिर आपको सबमिट का ऑप्शन आपको एक मिलता है, सबमिट का ऑप्शन पर आपको क्लिक करना रहेगा। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ आपके सामने इस तरह का इंटरफेस हो जाता है। अब यहाँ पे आपको प्लान सेलेक्ट करना है, कौन सा रिचार्ज करना चाहते हैं। तो मैं फिर जियो फोन का रिचार्ज कर रहा हूँ। जियो फोन के ऑप्शन में यहाँ पे थर्ड नंबर में जियो फोन मिलता है, जियो फोन पे क्लिक कर लेना है। फिर 125 रुपये का मैं रिचार्ज करना चाहता हूँ, 125 पे क्लिक करके बाइक ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको एम पिन टाइप करना है, एम पिन जो आप वहाँ शुरू में लिखे थे, आपको एम पिन टाइप करने के बाद आपका जो रिचार्ज यहाँ पे सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं रिचार्ज का सक्सेसफुल हो गया। इस तरह से आप लोग रिचार्ज कर सकते हैं।